हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर मॉम्स क्रिएटिव लाइफ। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी की वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है हेल्दी चाउमीन यानी न्यूट्री चाउमीन की रेसिपी, या आप इसे न्यूट्री नूडल्स भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये यमी यमी सी डिश बनाना। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई या फिर पैन, जिसमें भी आपको बनाना है, और उसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली कुकिंग में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है यहाँ पे। आप चाहें तो जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। और ऑयल हमारा गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। नूडल्स मैंने बॉयल करके रख लिए हैं 90%। और ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें जो हैं हमारी जो सोया चंक्स हैं वो मैंने भिगो के वॉश करके भिगो के रख ली थी, तो अब हम जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो अलग से इनको फ्राई करके रख सकते हैं, देन नूडल्स बनाते समय फिर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या है एक ही प्रोसेस में जो है सब निपटा दिया था। और ये जो हैं हमारे सोया चंक्स मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। सोया चंक्स फ्राई करने के बाद काफ़ी यमी लगते हैं। अगर आप चाहें तो बढ़िया है कि फिर भी ये थोड़ा सा इनका इतनी हेल्दी नहीं रहती है, बट आप चाहें तो फ्राइंग वाला मेथड अवॉइड कर सकते हैं और नूडल्स बनाने के बाद फिर इसमें डाल सकते हैं, बट ऐसे यमी लगता है। और नूडल्स हैं तो फिर थोड़ा सा जो है उसमें वो सोगी सोगी ना लगे चंक्स, इसलिए जो है इनको फ्राई करके ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं जिंजर। आप चाहें तो इसमें अपने पसंद से स्पाइसेस डाल सकते हैं। ये मैंने अनियन डाल दिया है, चॉप्ड अनियन, थोड़ा मोटा मोटा डाल के। नूडल्स में जो है मोटे मोटे चॉप्स मतलब अनियन जो है अच्छे लगते हैं। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, स्टर फ्राई। मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालते। ये जिंजर और गार्लिक मैंने जो छोटा वाला ग्रेटर होता है उससे ग्रेट करके रखे हैं, वो डाल देंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। अप टू यू, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। और वेजिटेबल्स भी आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के डाल सकते हैं, कैरेट, कैप्सिकम। मेरे पास अभी ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं थी, जो भी सामान अवेलेबल था मैंने बस उसी में बनाया है। तो मेरे पास अभी कैबेज हैं, तो मैंने कैबेज जो है इसमें कट करके वॉश करके डाल दी है। और चाउमीन हो उसमें कैबेज ना हो तो फिर वो चाउमीन वाली फीलिंग नहीं आती है। तो अब हम इसको जो है स्टर फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी जो है देखिए, नॉर्मली क्या होता है बच्चों को नूडल्स पसंद ही होते हैं, इस बहाने क्या है नूडल्स में अगर आप वेजिटेबल्स डाल देते हो तो बच्चे वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। तो चलिए कुछ नहीं, कुछ ना होने से बेटर है कि कुछ तो हेल्दी बच्चे खा ही रहे हैं। और ये जो है इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, और भी कुछ मसाले आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोई मसाला ऐड नहीं किया, सिंपली मैंने इसमें सॉल्ट एंड ग्रीन चिली डाली थी, दैट्स इट। बाकी मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला है, मैंने थोड़ा सिंपल सा ही रखा है इसको। बाकी जो है मतलब स्टर फ्राई का टेस्ट जो है वो अच्छा लगता है ओनली सॉल्ट में ही। हल्की सी मिर्च डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट वो ग्रीन चिली से फुलफ़िल हो जाता है उसका स्पाइसीनेस। ये मैंने इसमें अजीनोमोटो डाली है, जो कि मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई थी, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारे नूडल्स जो कि हमने बॉईल करके ठंडे करके रख लिए हैं, अब हम इसमें जो है हमारे नूडल्स भी डाल देंगे। मतलब बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, और अच्छी भी लगेगी बच्चों को भी बड़ों को भी, मतलब सबको पसंद आती है। ये हम हमारे नूडल्स इसमें डाल देंगे और हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। ये मैंने इसमें डाला है सोया सॉस, आप चाहें तो सोया सॉस भी स्किप कर सकते हैं, मतलब टोटली अप टू यू। आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं जो आप नूडल्स में डाल सकते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट। नो नीड टू टेक टेंशन के ये नहीं है वो नहीं है, जितना है उतने में ही बना लीजिए। बस दिल से बनाएंगे तो ऑब्वियसली यमी ही बनता है। ये हम इसमें डाल रहे हैं विनेगर। विनेगर नूडल्स की जान होता है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है नूडल्स में, तो मैं मोस्टली विनेगर डालती हूँ। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है, देख के ही लग रहा है कि हाँ काफ़ी टेम्पटिंग है। और ये मैंने इसमें 2 ग्रीन चिली डाली है बारीक बारीक चॉप करके, बस दैट्स इट। ये हमने डाला, कोरिएंडर लीव से डेकोरेट कर दिया, और हमारी सुंदर सी दिखने वाली डिश रेडी है। बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।